देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेकेंड पार्ट जो था बीआरएस का, उसमें हम लोगों ने फेवरेबल बैलेंस को देख लिया था। आज हम लोग अनफेवरेबल बैलेंस दिया रहे कैशबुक का या पासबुक का, तो हम लोग क्या करेंगे। कैशबुक का अनफेवरेबल बैलेंस मतलब क्या? क्रेडिट बैलेंस। और पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस। ये मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ सेकेंड वाले वीडियो में, और फर्स्ट वाले वीडियो दोनों में समझाया था। तो वो दोनों वीडियो पहले आपको जरूर देखना है, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। कैशबुक का जो बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। कैशबुक का पेमेंट साइड ज्यादा है और रिसिप्ट साइड कम है, उसी को हम लोग कहते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस। चलिए देखते हैं, हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 31 मार्च को कैशबुक ऑफ अ मर्चेंट शोड ओवर बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। कैशबुक ऑफ अ मर्चेंट, कैशबुक के बारे में बता रहा है कि 1,72,985 रुपया बैलेंस दिखा रहा है। ऑन कंपेयरिंग द कैशबुक विद बैंक स्टेटमेंट फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वेयर नोटेड। कौन कौन सा डिस्क्रिपेंसीज दिया हुआ है यहाँ पे? ये 6 डिस्क्रिपेंसी पता चला है हम लोगों को, कि जिसके कारण हम लोगों का बैलेंस जो है कैशबुक से का पासबुक से नहीं मिल मैच कर रहा है। ओके, यहां मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, वो जो आपका डेबिट और क्रेडिट वाला मेथड जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, और वो एक और मेथड जो सबको यूज करते हैं, ठीक है। वो सबको यूज करते हैं, वो जो एक प्लस आइटम और माइनस आइटम करके लिखा रहता है, वो वाला तरीका। ओके, उस वाले तरीके में अब हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। कि ये हम लोगों का कैशबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है, मतलब क्या? कैशबुक का ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। कितने रुपए का? 1,72,985 रुपए का। ओके, अब देखेंगे कि इसमें हम लोगों का कौन कौन सा आइटम ऐड होगा, कौन कौन सा आइटम लेस होगा। चेक इशूड फॉर 60,000 वेयर नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक टिल 7 अप्रैल 2018। देखिए, चेक जो है इशू किए हैं 60,000 रुपए का, लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं किया है। चेक इशू होता है तो कैशबुक में क्या होता है और पासबुक में क्या होता है? चेक इशू होता है तो कैशबुक में क्रेडिट करते हैं और पासबुक में डेबिट करते हैं। तो कैशबुक में तो क्रेडिट हो गया है, लेकिन प्रेजेंट बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है, मतलब पासबुक जो है हम लोगों का डेबिट नहीं हुआ है। तो डेबिट कर दो। डेबिट कर दो मतलब क्या? कि डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, लेस हो जाएगा 60,000 रुपए, ठीक है। 60,000 रुपए हम लोगों का लेस हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेक अमाउंटिंग टू 75,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक बट वे आर नॉट कलेक्टेड। 75,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट किए, ठीक है, लेकिन हम लोग कलेक्ट नहीं हुआ, मतलब क्या? कि कैशबुक में तो डेबिट हो गया है, लेकिन पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो क्रेडिट कर दो। पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है तो क्रेडिट कर दो 75,000 रुपये का। क्रेडिट मतलब क्रेडिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 75,000 रुपया। इसके बाद देखते हैं कि अब चेक ऑफ 15,000 रिसीव, ये दोनों हो गया हम लोगों का एंट्री। चेक ऑफ 15,000 रिसीव फ्रॉम महेश चंद एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक वॉज डिसऑनर्ड बट द नन पेमेंट एडवाइस वॉज नॉट रिसीव फ्रॉम द बैंक टिल 1 अप्रैल 2018। देखिए, 15,000 रुपया मिला पैसा महेश चंद से, तो हम लोग क्या किए होंगे, कैशबुक में डेबिट किए होंगे और पासबुक में क्रेडिट किए होंगे। लेकिन क्या हुआ कि पासबुक में ऑलरेडी हम लोग क्या किए होंगे, क्रेडिट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये डिसऑनर हो गया। कैशबुक में डेबिट हो गया, पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि डिसऑनर हो गया, तो क्रेडिट कर दो। क्रेडिट कर दो मतलब क्या? कि क्रेडिट और क्रेडिट प्लस ऐड कर दो, कितना? 15,000 रुपये। ओके, सेम चीजों को, इन सब चीजों को मैं उस तरीके से भी बताऊंगा जैसे सब कोई करते हैं, कि ये प्लस वाला आइटम, यहाँ पे माइनस वाला आइटम, ऐसे करके, और उस तरीके से मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। पहले इस तरीके से देख लो, अगर आप लोग नहीं देखना चाहते हो तो आप लोग स्किप कर सकते हो उस जगह तक। 1,50,000 रुपए का रिसीव प्रोसीड्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड अपियर्ड इन पासबुक बट नॉट इन कैशबुक। पास मतलब कि बिल्स रिसीवेबल से पैसा मिला है, पैसा मिला मतलब कि पासबुक तो हम लोगों का क्रेडिट हो गया, लेकिन कैशबुक हम लोगों का डेबिट नहीं हुआ है, तो डेबिट कर दो। डेबिट कर दो मतलब क्या? कि डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा 1,50,000 रुपए से। डेबिट और क्रेडिट लेस क्यों हो रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है? देखिए, ये चीज देखिए, डेबिट डेबिट,
ये हो जाएगा प्लस क्रेडिट क्रेडिट, ये क्या हो जाएगा प्लस, मतलब सेम साइन रहता है तो क्या होता है ऐड होता है, डेबिट क्रेडिट माइनस क्रेडिट डेबिट माइनस। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है और इसमें हम लोगों को डेबिट करना था, और तो डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 15,000 रुपये, नेक्स्ट सॉरी 150,000 रुपये, यहाँ पे हो रहा है बात, यहाँ पे 150,000 रुपये डेबिट नहीं हुआ है तो डेबिट कर देंगे हम लोग यहाँ पे 150,000 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं बैंक चार्जेस 1,500 रुपये, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट दोनों चार्ज है, दोनों हम लोगों का पासबुक में डेबिट होता है और कैशबुक में क्रेडिट होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। 1,500 और 8,500 दोनों पासबुक में अपीयर हो गया लेकिन कैशबुक में अपीयर नहीं हुआ, कैशबुक में अपीयर किधर होता है ये क्रेडिट में होता है, क्रेडिट नहीं हुआ है 1,500 और 8,500 तो क्रेडिट कर दो, मतलब क्या कि ऐड कर दो 1,500 प्लस 8,500 प्लस 8,500। ओके नेक्स्ट देखते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैशबुक ऑफ 500 रुपया, 500 रुपया का ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, ये बहुत अच्छे से देखिएगा, ऐसा एंट्री आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, बहुत जबरदस्त एंट्री है, समझने का चीज है, यहाँ पे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैशबुक, कैशबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है था लेकिन हम लोग क्या किए इसको डेबिट बैलेंस दिखा दिए, मतलब फेवरेबल बैलेंस दिखा दिए, इससे क्या होगा आपका जो है कैशबुक बढ़ गया। ठीक है, मतलब कैशबुक में आपका डेबिट बैलेंस दिख रहा है लेकिन कैशबुक आप पासबुक आपका क्रेडिट नहीं हुआ है, पासबुक का क्रेडिट मतलब क्या कि फेवरेबल बैलेंस, कैशबुक में हम लोग फेवरेबल बैलेंस नहीं शो कर रहा है तो क्रेडिट नहीं हुआ है मतलब कैशबुक में, तो क्रेडिट कर दो, मतलब क्या कि क्रेडिट और क्रेडिट ऐड कर दो कितना 500 और 500 1,000 रुपया। अब ये 1,000 रुपया क्यों हुआ आप समझिए, 500 रुपया का माइनस बैलेंस था और हम लोग क्या कर दिए इसको 500 रुपये का फेवरेबल बैलेंस दिखा दिए, मतलब क्या कि 500 से पहले जीरो में आए। ठीक है, 500 माइनस से देखिए ये 500 है, ठीक है ये जीरो है, ये माइनस 500 था, ये माइनस 500 था माइनस में, मतलब अनफेवरेबल बैलेंस था, अब हम लोग प्लस 500 दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या डिफरेंस कितना का हुआ है, माइनस 500 से जीरो यहाँ पे 500 और इधर 500, 1,000 रुपये का डिफरेंस, वही 1,000 रुपया यहाँ पे हम लोगों का ऐड हो जाएगा। अब इससे सबको ऐड करने के बाद और इन दोनों को लेस करने के बाद 60,000 और 150,000, आई थिंक 150,000 था ना, हाँ 150,000 रुपये, इन सबको लेस करने के बाद ओहो आई मेड अ मिस्टेक, 15,000 ये होगा, ओके ये 15,000 होगा, ये 150,000, ठीक है तो इनको माइनस करने के बाद जो हम लोगों का बैलेंस आएगा वो आएगा 63,985 रुपए, मैंने कैलकुलेटर में चेक किया जस्ट अभी 63,985 रुपए। अब देखिए ये कैशबुक का बैलेंस था यहाँ पे, ठीक है कैशबुक का अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो यहाँ पे क्या शो होगा पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अब देखिए एक कंसेप्ट मैं आपको यहां पे देना चाहता हूं, कंसेप्ट कुछ नहीं है सिंपल सा लॉजिक है। देखिए यहां पे हम लोग इसको क्या लिए थे, प्लस में लिए थे ना, इन सबको हम लोग प्लस किए और ये दोनों को माइनस किए, माइनस करने के बाद जैसे ही हम लोग कैलकुलेटर में 172,985 ऐसे कर करके सबको को ऐड किए और इसको माइनस किए, माइनस करने के बाद कैलकुलेटर में हम लोगों को नेगेटिव में साइन नहीं दिख रहा है, ये सीधा ऐसा ही दिख रहा है 63,985, लेकिन अगर नेगेटिव में शो होगा तो क्या होगा, अगर नेगेटिव में शो होता है तो ये जो हम लोगों का यहाँ पे कैशबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस था ये हम लोगों का कौन सा बैलेंस हो जाएगा, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मतलब नेगेटिव में शो नहीं हुआ था इसलिए हम लोगों का ये जो था यहाँ पे अनफेवरेबल बैलेंस कैशबुक का वही बैलेंस पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस यहाँ पे दिखेगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में ये चीज शो नहीं हो रहा है। ओके अब हम लोग देखेंगे उस तरीका से जो मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है तो हम लोग किसको फोकस करेंगे पासबुक के बैलेंस पे, ठीक है यहाँ पे हम लोग किस पे फोकस करेंगे, हम लोगों का मेन जो फोकस होगा टारगेट होगा वो क्या चेक करना होगा,
पासबुक का बैलेंस चेक करना होगा। ओके तो हम लोग देखते हैं, ये मैं आपको परफॉर्मा दिखा देता हूं, ऐसा ही होगा हम लोगों का। देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या बोला है, कैशबुक का अनफेवरेबल बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन को मैं अब इस तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। अब ओवरड्राफ्ट जब बैलेंस दिया हुआ है तो ये हम लोगों का पॉजिटिव बैलेंस होता है या नेगेटिव बैलेंस होता है? डेफिनेटली ये माइनस वाला बैलेंस होता है, ठीक है, माइनस वाला बैलेंस होता है। तो ये हम लोग माइनस, ये प्लस वाला बैलेंस होता है, ठीक है, ये हम लोगों का फेवरेबल बैलेंस होता है, ये अनफेवरेबल बैलेंस होता है। यहाँ पे हम लोग माइनस में दिखाएंगे 172,985 रुपए को। अब एक एक करके एंट्री समझते हैं कि ये वाला तरीका से हम लोगों को फोकस किसमें करना है। यहाँ पे कैशबुक का बैलेंस है तो हम लोग को फोकस करना है पासबुक पर, ठीक है, पासबुक का जो करंट है वो उस हिसाब से चेक करेंगे कि चेक इशूड फॉर 60,000, चेक इशू फॉर 60,000 वेयर नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक टिल 7 अप्रैल। देखिए चेक इशू किए, चेक इशू करने से क्या होगा कि हम लोग का कैशबुक का बैलेंस घटेगा और पासबुक का बैलेंस क्या होगा वो भी घटना चाहिए, लेकिन हम लोगों का पासबुक का बैलेंस नहीं घटा यहाँ पे। क्यों नहीं घटा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट ही नहीं हुआ, इस चेक तो इशू हो गया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, तो पासबुक का बैलेंस क्या हुआ होगा हम लोगों का, बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। जब बढ़ा हुआ होगा तो हम लोग कहाँ दिखाएंगे इसको, प्लस वाले सेक्शन में, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये हम लोगों का बढ़ा हुआ सेक्शन में, प्लस वाला सेक्शन में। हम लोग का पासबुक क्या हुआ होगा, अगर हम लोग इशू कर दिए और प्रेजेंट नहीं हुआ तो हम लोग का बैंक से तो बैलेंस गया नहीं, मतलब बैंक में करेंट में क्या है, बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, वही हम लोगों को जाना है। ये डेबिट हो जाएगा, मतलब ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चेक अमाउंटिंग टू 75,000 वेयर डिपॉजिटेड इन बैंक बट वेयर नॉट कलेक्टेड। अब क्या हुआ कि बैंक में जमा तो कर दिए, तुरंत भर में डिपॉजिट करने के बाद थोड़ा तो टाइम लगता है, लेकिन उस कारण से क्या हुआ कि हम लोगों का पासबुक जो है वो बढ़ा नहीं मतलब क्या, घटा रह गया। पासबुक में क्या अभी भी बैलेंस क्या है, घटा हुआ है, क्योंकि वहां पे पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है, पासबुक में पैसा जमा नहीं हुआ है, तो पासबुक का बैलेंस क्या हुआ है हम लोगों का, घटा हुआ है। घटा हुआ है मतलब क्या, लेस हो जाएगा, घटा हुआ है मतलब माइनस वाले साइड में जाएगा ना ये 75,000 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, ये दोनों हो गया हम लोगों का। चेक ऑफ 15,000 रिसीव्ड फ्रॉम महेश चंद डिपॉजिटेड इन द बैंक वॉज डिसऑनर्ड बट द नॉन पेमेंट एडवाइस वॉज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक टिल 1 अप्रैल। देखिए क्या हुआ कि चेक जो है डिसऑनर हो गया, तो हम लोगों का क्या हुआ, पासबुक का बैलेंस क्या होगा, घटा हुआ होगा, जरूर घटा हुआ होगा पासबुक का बैलेंस। पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है मतलब क्या, माइनस होगा, माइनस मतलब माइनस वाले सेक्शन में जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1,50,000 रुपया का पैसा मिला बिल्स रिसीवेबल से, अपियर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन कैशबुक, पासबुक में अपियर हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे तो कैशबुक का बैलेंस है, हम लोगों को चेक किस हिसाब से करना है, पासबुक के हिसाब से। तो हम लोग चेक करते हैं कि 1,50,000 रुपया जब पैसा मिल गया है इससे हम लोग का पासबुक क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा, पासबुक में पैसा बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। हम लोग कैशबुक का बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग पासबुक के हिसाब से चेक करेंगे, तो पासबुक में क्या दिखा हुआ है, दिखाया हुआ है कि बढ़ा हुआ है हम लोग का बैलेंस, तो हम लोग बढ़ा हुआ देखेंगे ना, हम लोग को बढ़ाना है यहाँ पे 1,50,000 रुपए का। ओके नेक्स्ट देखते हैं, बैंक चार्जेस 1,50,000 का इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 8,500 का अपियर्ड इन पासबुक, पासबुक में अपियर हो गया है, मतलब पासबुक का बैलेंस हम लोग घटा दिए हैं, कैशबुक में नहीं हुआ है, हम लोग पासबुक के हिसाब से चेक करेंगे ना, तो पासबुक में के हिसाब से हम लोग का बैलेंस जो है घटा हुआ है, क्योंकि ये दोनों चार्ज काट लिए गए हैं बैंक के द्वारा, तो इस कारण से पासबुक का बैलेंस हम लोग का घटा हुआ है, मतलब माइनस था एक सेक्शन में जाएगा। कितना, बैंक चार्जेस 1,500 और बैंक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 8,500। ओके नेक्स्ट देखते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैशबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैशबुक के हिसाब से 500 रुपये का दिया हुआ है, लेकिन जब कैरी फॉरवर्ड किए तो इसको डेबिट बैलेंस लिख दिए, ठीक है। तो इससे क्या है, पासबुक अभी भी मेरा क्या है, इस हिसाब से अगर चेक करें तो पासबुक का हम लोग का कौन सा बैलेंस दिख रहा होगा, पासबुक का अभी भी हम लोगों का ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही शो करेगा, समझ रहे हैं। जब पासबुक हम लोग का ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो करेगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस पासबुक शो करेगा मतलब घटा हुआ शो करेगा, घटा हुआ शो करेगा कितने रुपए से, ये तो यहाँ पे 500 रुपया मैंने इससे जस्ट पहले बताया कि ये मान लो जीरो है, ये 500 का नेगेटिव है, इसको इन लोगों ने 500 का पॉजिटिव कर दिया,
ठीक है, मतलब अंतर कितने का आ गया, 1000 रुपया का, मतलब 1000 रुपए से पासबुक जो है घटा हुआ रहेगा, पासबुक घटा हुआ रहेगा। देखो पासबुक घटाना है हम लोगों को 1000 रुपए से पासबुक पे पहुंचने के लिए, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को घटा देना है। तो अब ये हम लोग अगर चेक करते हैं 1,72,985, ये सबको ऐड करना है, इन दोनों को माइनस करना है। सेम चीज अगर आप लोग समझो इस चीज को, तो हम लोग का बैलेंस जो है ओवरड्राफ्ट बैलेंस आएगा पासबुक के हिसाब से 63,985 रुपए। सेम आंसर हम लोगों का उस तरीके से भी आया था। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला तरीका। तो हम लोग अब नेक्स्ट जो देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CACPT फाउंडेशन, फाउंडेशन का क्वेश्चन है ये, उस बुक से लिया गया। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए एक बार, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। ये जो मैं आपको बता रहा था ना उसमें, कि अगर आपका नेगेटिव बैलेंस आ जाए तो फिर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि बैंक अकाउंट ऑफ मुकेश, नाम याद रखिएगा मुकेश, 31 मार्च को दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है, बैंक अकाउंट ऑफ मुकेश मतलब कैशबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है। मतलब ओवरड्राफ्ट मतलब बैलेंस मतलब क्या, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है कितना, 5,000 रुपए का। ओके चलते हैं नेक्स्ट। और ये वाला लाइन को आप लोग अभी भूल जाइए कि क्या लिखा हुआ है, जब सम बन जाएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आपको समझ में आएगा ये क्रेडिट बैलेंस क्यों दिया हुआ है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ही लिखना। ये हो गया हम लोगों का कैशबुक, ये हो गया पासबुक। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, ये वाला तरीका फिर उस वाले तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू किए तो पासबुक में हम लोग कैशबुक में हम लोग क्रेडिट कर दिए, लेकिन पासबुक में डेबिट नहीं हुआ है। पासबुक में डेबिट नहीं हुआ है तो मतलब क्या, डेबिट कर दो, डेबिट और क्रेडिट इसको लिस्ट कर दो, 12,000 रुपए। ये हो गया प्लस का आइटम, ये माइनस का आइटम, माइनस 12,000 रुपए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक टिल इतना। चेक डिपॉजिट किए मतलब कैशबुक में डेबिट कर दिए हैं, लेकिन पासबुक में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, क्योंकि कलेक्टेड बाय बैंक नहीं हुआ है, तो क्रेडिट कर दो, पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है तो क्रेडिट कर दो, मतलब क्या, ऐड कर दो 20,000 रुपए। चलो ऐड करेंगे 20,000 रुपए इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 रुपए डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट अकाउंटेड इन मुकेश अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, कि पासबुक में डेबिट हो जाता है, कैशबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है तो क्रेडिट कर दो, मतलब कितना, 10,000 रुपए से क्रेडिट और क्रेडिट ऐड कर दो 10,000 रुपए। नेक्स्ट चीज है, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक इतना को अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मुकेश 4/4/2011। हम लोग बना कब रहे हैं, 31 मार्च को, यहाँ पे वो बैंक रिकॉर्ड कब कर रहा है, 4/4/11 को। तो हम लोग चेक करेंगे कि 31 मार्च तक तो ये एंट्री हुआ नहीं है, तो क्या हुआ यहाँ पे, बैंक चार्ज डेबिट कर दिया गया, पासबुक में डेबिट हो गया लेकिन कैशबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है 250, तो क्रेडिट कर दो, तो क्रेडिट और क्रेडिट क्या कर दो, ऐड कर दो 250 रुपए। नेक्स्ट चलते हैं, एन अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज रिप्रेजेंटिंग कलेक्शन ऑफ मुरुकेशेस चेक, क्या है मुरुकेशेस चेक, ये क्या है मुकेश नॉट मुरुकेश। ओके देखिए क्या होता है, चेक मिलना था मुरुकेश को, मुरुकेश के अकाउंट में क्रेडिट करना था, लेकिन क्रेडिट कर दिया मुकेश के अकाउंट में, यही है मुकेश ना जिसका हम लोग बना रहे हैं, मुकेश में क्रेडिट कर दिया पासबुक में, लेकिन कैशबुक में अभी तक डेबिट नहीं हुआ है, तो डेबिट कर दो 1 लाख रुपए से, तो डेबिट और क्रेडिट मतलब क्या, 1 लाख रुपए से लेस कर दो, ठीक है, ये दोनों लेस हो जाएगा 12,000 और 1 लाख। अब मैं आपको यहां पे कुछ करके दिखाता हूं, ये रहा हम लोगों का 5,000 रुपए प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 250, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको कैलकुलेटर में दिखा रहा हूं, ये आ गया 35,250। अब माइनस करना है क्या क्या, 12,000 और 1 लाख, 12,000 माइनस 1 लाख कितना आया बैलेंस, 76,750। यहाँ पे हम लोग का 5,000 दिखा रहे थे, यहाँ पे क्या आ रहा है 76,750, कौन सा बैलेंस है ये,
माइनस में शो कर रहा है। माइनस में शो कर रहा है मतलब क्या, ये तो हम लोग माइनस से शुरू नहीं किए थे ना, माइनस में शो कर रहा है मतलब यहां से हम लोग अनफेवरेबल बैलेंस को लेके चले थे, लेकिन जब हम लोग पासबुक में निकालेंगे तो ये फेवरेबल बैलेंस आएगा कितने का, 76,750 रुपए का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जैब में। तो ये हम लोगों का पासबुक का फेवरेबल बैलेंस बोलो या क्रेडिट बैलेंस बोलो, ये आएगा। समझ में आई, इसलिए मैं इस क्वेश्चन, ये सारे चीजें बहुत आसान थी लेकिन ये चीज आपको बहुत कम जगह डिस्कस करने देखने को मिलेगा। तो ये जो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है बैंक स्टेटमेंट ऑफ मुकेश सोडा, क्रेडिट बैलेंस 76,750, तो हम लोग का आया ना क्रेडिट बैलेंस 76,750। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला तरीका से। अब सेम चीज को हम लोग वो प्लस और माइनस वाले तरीके से करेंगे। ओके चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हम लोगों का हो गया प्लस का आइटम, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और ये माइनस का आइटम जैसे हम लोग यहाँ पे किए थे, ठीक है। ये प्लस का आइटम रहेगा, यहाँ पे माइनस का आइटम रहेगा, वैसे ही हम लोग यहाँ पे प्लस का आइटम लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का आइटम लिखेंगे। ओके एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है कि कैश बुक का जो है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, हम लोग को पता है 5,000 रुपए का, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस हम लोग कहाँ लिखेंगे, माइनस साइड में। कैश बुक ओवरड्राफ्ट कितना है, 5,000 रुपए, माइनस वाले सेक्शन में लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल इतना। ओके चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल इतना 12,000 रुपए। तो क्या हम लोग यहाँ पे कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो हम लोग किस पे फोकस करेंगे, पासबुक पे फोकस करेंगे। हम लोग का फोकस क्या होगा, हम लोग का टारगेट क्या होगा, पासबुक होगा। पासबुक के हिसाब से देखते हैं कि क्या हुआ है ऑलरेडी फिर पासबुक में, कि चेक इशू किए प्रेजेंट नहीं हुआ 12,000 रुपए का। जब प्रेजेंट नहीं हुआ तो हम लोग का पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा या घटा हुआ होगा, डेफिनेटली बढ़ा हुआ होगा। बढ़ा हुआ होगा मतलब क्या, कि प्लस सेक्शन में जाएगा 12,000 रुपए। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, पासबुक इससे क्या हुआ होगा, घटा हुआ है। चेक डिपॉजिट कर दिए, पासबुक में क्रेडिट हुआ नहीं तो घटा हुआ है। घटा हुआ है मतलब क्या, कि माइनस करना हम लोगों को 20,000 रुपए, ये माइनस सेक्शन है 20,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 10,000 रुपए डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट अकाउंटेड इन मुकेश अकाउंट, मुकेश के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हो। हम लोग को पासबुक के हिसाब से देखना है, डेबिट हो गया बैंक में, बैंक में डेबिट हो गया मतलब क्या, कि पासबुक हम लोगों का घट गया 10,000 रुपए से, घट गया मतलब 10,000 रुपए से, एक मिनट, पासबुक हम लोग का 10,000 रुपए से घट गया है। घट गया मतलब क्या, कि हम लोग को माइनस सेक्शन में दिखाना होगा 10,000 रुपए, माइनस सेक्शन में 10,000 रुपए। नेक्स्ट क्या है, बैंक चार्जेस 250 डेबिटेड बाय बैंक नॉट अकाउंटेड इन मुकेश अकाउंट, 250 रुपए से हम लोग का बैंक चार्ज था, डेबिट हो गया मतलब पासबुक घट गया है, घट गया तो माइनस सेक्शन में लिख दो 250 रुपए। नेक्स्ट लास्ट हम लोगों का कि अमाउंट 1,00,000 रुपए का मुकेश का अकाउंट में क्रेडिट होना था, मुकेश के अकाउंट में क्रेडिट होना था लेकिन हम लोगों के बैंक में क्रेडिट हो गया है। बैंक में क्रेडिट हो गया मतलब क्या, कि हम लोगों का बैलेंस पासबुक का क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, जरूर बढ़ गया होगा 1,00,000 रुपए से, क्योंकि हम लोग के अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, ठीक है। तो बढ़ गया होगा तो मतलब क्या करना है, हम लोगों को ऐड कर देना है 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए ऐड कर देना है यहाँ पे। तो सेम चीज अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, ये 12,000 और 1,00,000, 1,12,000 इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5,000 है, 20,000 है, 10,000 है और 250, तो माइनस में आंसर आएगा। माइनस में आंसर कितना आएगा, 76,750 था ना, 76,750, हाँ आप लोग चेक कर सकते हैं वहां से, आप लोग चेक कर लो 76,750, ठीक है। ये हम लोगों का लॉजिक है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में, ओवरड्राफ्ट वाले में, और कुछ भी नहीं है। आपको ये तरीका अगर आपको समझ में आता है तो इस तरीके से कीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों का पासबुक का जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, फेवरेबल बैलेंस आ जाएगा। अगर मान लीजिए ये हम लोगों का ज्यादा रहता और ये कम रहता, मतलब नेगेटिव वाला सेक्शन हम लोगों का ज्यादा रहता और पॉजिटिव वाला कम रहता, तो क्या होता, हम लोगों का पासबुक का भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस आता,
लेकिन यहाँ पे हम लोगों का डेबिट साइड मतलब प्लस सेक्शन ज्यादा है, तो हम लोग का पासबुक का फेवरेबल बैलेंस यहाँ पे शो होगा, ठीक है, 76,750 रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है, आप लोग खुद ट्राई कीजिए, ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद ट्राई करना है। जहां पे भी आपको प्रॉब्लम होगा जो भी सेक्शन में, ठीक है, आपको वहां पे आपको सो मतलब क्वेश्चन लिखना है आपको कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद आपको क्या ऐड होगा क्या लेस होगा ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आंसर मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन पहले आप लोग इसको ट्राई कीजिए। और किसका आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्यों वो ऐड होगा या लेस होगा कुछ भी होगा, उसका कारण आपको जानना है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन फिलहाल इजी ही है, ठीक है, ये रहा आपका आंसर इसका। तो आपका जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो आपका आएगा एंड में, इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 50,450 रुपए, ठीक है, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो पहले आप इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद ये वाला सॉल्यूशन को देखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब पासबुक का जो है ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो होगा, पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो होगा, हम लोग का कैशबुक का बैलेंस निकालना होगा, ये वाला क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ये रहा है पहला क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। होप आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है 3,6,340 रुपया, ओवरड्राफ्ट बैलेंस पासबुक का है। पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस कितना दिया हुआ है 6,340। दोनों तरीका से मैं आपको करके बताऊंगा, पहले डेबिट और क्रेडिट वाला तरीका, उसके बाद फिर वो प्लस प्लस सेक्शन और माइनस सेक्शन जो हम लोग कॉलम करके बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये वाला तरीका से देख लेते हैं, डेबिट क्रेडिट वाला। तो पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 6,340। चलिए देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 6 मंथ का, इंटर्ड इन पासबुक, पासबुक ये हो गया हम लोग का कैशबुक, ये हो गया हम लोगों का पासबुक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट पासबुक में क्या हो गया, डेबिट हो गया है, लेकिन कैशबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है। क्रेडिट नहीं हुआ है तो क्या करना है, क्रेडिट कर दो, मतलब क्या कर दो, लेस कर दो। यहाँ हो गया हम लोग का प्लस एक, यहाँ पे माइनस 160 रुपए लेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बैंक चार्जेस 30 रुपए का, डेबिटेड इन पासबुक ओनली, पासबुक में डेबिट हुआ है, कैशबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो क्रेडिट कर दो, मतलब क्रेडिट और डेबिट लेस कर दो, 30 रुपए लेस करना है। चेक इशूड बट नॉट कैश्ड, चेक इशू कर दिए है मतलब कैशबुक में क्रेडिट कर दिए हैं, पासबुक में डेबिट नहीं हुआ है, तो डेबिट कर दो, डेबिट और डेबिट ऐड कर दो, प्लस कर दो, 1,168 रुपए। कितना आसान हो गया है ये ना, बहुत आसान हो जाएगा, आप लोग देखिए खुद से भी ट्राई कीजिए तभी होगा अच्छे से। चेक पेड इन टू बैंक बट नॉट क्लियर बिफोर इतना तारीख को, चेक पेड इन टू बैंक, बैंक में पे कर दिए मतलब कैशबुक में डेबिट कर दिए हैं, पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो क्रेडिट कर दो, मतलब क्रेडिट कर दो, मतलब क्रेडिट और डेबिट क्या कर दो, लेस कर दो, 2,170 रुपए। क्या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक क्रेडिटेड इन पासबुक, पासबुक में क्रेडिट हो गया है, कैशबुक में डेबिट नहीं हुआ है, तो कैशबुक में डेबिट कर दो, कैशबुक में डेबिट कर दो, मतलब क्या, डेबिट और डेबिट ऐड कर दो, 1,200 रुपए। तो आप इसको ऐड करोगे और ये घटाना है सबको आपको, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका, 6,348, 6,348। तो ये आपका कौन सा बैलेंस होगा, ये आपका ज्यादा है, 2,000 यहाँ पे हो गया, 2,100, 2,368 रुपए, ये हम लोग को ऐड करना है और सिर्फ 2,000 कुछ माइनस करना है, तो ये हम लोगों का इसी में बैलेंस आ रहा है। मतलब अगर हम लोग कैलकुलेटर में चेक करें, कैलकुलेटर में चेक करें, 6,340 प्लस 1,168 प्लस 1,200, ठीक है, माइनस 160 और 30, 190 माइनस 190 माइनस 2,170, कितना आ रहा है, 6,348 माइनस में आया क्या, नहीं आया, ठीक है। तो क्या हम लोग का ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही रहेगा अब, लेकिन किसके हिसाब से, कैशबुक का ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट बैलेंस कितना दिखाएगा, 6,348 रुपए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, सेम चीज को हम लोग ये कॉलम वाला तरीका प्लस या माइनस वाला तरीका से करेंगे, ठीक है, एक मिनट। तो ये हम लोगों का हो जाएगा प्लस वाला,
ये हो जाएगा हम लोग का माइनस सेक्शन। तो हम लोग का सबसे पहले दिया हुआ है कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट, तो ये कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा 6340। ओके 6340 माइनस में गया। अब चेक करते हैं हम लोग इसको, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इंटर्ड इन पासबुक। यहाँ पे हम लोग का कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो हम लोग को फोकस किस पे करना है, फोकस करना है पासबुक पे, पासबुक पे सॉरी हाँ कैशबुक का बैंक ओवर सॉरी वो मैंने चेक किया था, तो यहाँ पे पासबुक होगा। ठीक है ये पासबुक होगा, यहाँ पे जब मैंने इसको रिमूव किया तो वो भी रिमूव हो गया था, मैंने यहाँ पे चेंज किया था क्वेश्चन को, एक्चुअली वहाँ पे कैशबुक के हिसाब से दिखा रहा था जब मैं इसको ले रहा था क्वेश्चन को, तो मैंने चेंज करके इसको पासबुक के हिसाब से किया ताकि आप लोगों को समझा सको, तो ये चीज नहीं होगा। हम लोग का बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या दिया हुआ है पासबुक के हिसाब से, क्योंकि हम लोग देख ही रहे हैं ना पासबुक को, पासबुक के हिसाब से चेक कर रहे थे, तो पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। हम लोग को फोकस किस पे करना है, कैशबुक पे फोकस करना है, कैशबुक पे फोकस करना है। तो सबसे पहले क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 6 महीने का 160 रुपये इंटर्ड इन पासबुक, इंटर्ड इन पासबुक, तो इससे हम लोगों का इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट पासबुक में क्रेडिट घटा दिया गया है, लेकिन हम लोगों को अभी तक पता नहीं चला कैशबुक इससे क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा, डेफिनेटली बढ़ा हुआ होगा। तो क्या लिखेंगे, बढ़ा हुआ को हम लोग किधर लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं 160 रुपये, 160 रुपये हम लोग लिख दें प्लस में। नेक्स्ट चलते हैं, बैंक चार्जेस 30 रुपया डेबिटेड इन पासबुक ओनली, पासबुक में डेबिट हो गया है, कैशबुक में नहीं लिखे हैं, इसके कारण हम लोगों का क्या हुआ होगा, कैशबुक जो है हम लोगों का क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा, मतलब बढ़ा हुआ मतलब क्या, प्लस लिख करना है हम लोग को 30 रुपए का, 30 रुपए से। नेक्स्ट चलते हैं, चेक इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31 दिसंबर, ठीक है चेक इशू कर दिए, चेक इशू कर दिए, तो कैशबुक में हम लोग क्या लिख किए होंगे, उस टाइम में क्रेडिट किए होंगे, कैशबुक हम लोग का क्या हुआ है, घटा हुआ है 1168 रुपए से। समझ में आए ये चीज, यहाँ पे ध्यान देना था आपको, चेक इशू हुआ 1168 रुपए का, तो हम लोग का क्या हो गया, कैशबुक घटा हुआ है, हम लोग कैशबुक के हिसाब से चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो कैशबुक के हिसाब से चलेंगे, तो कैशबुक क्या है हम लोग का घटा हुआ है 1168 रुपए का, तो माइनस कर देंगे 1168। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है कि चेक पेड इन टू बैंक नोट नॉट क्लियर्ड, चेक पेड इन टू बैंक हम लोग क्या करते हैं, कैशबुक में डेबिट कर देते हैं, हम लोग का कैशबुक में डेबिट है, पासबुक में नहीं घटा, पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है, हम लोग को चलना किस हिसाब से है, कैशबुक के हिसाब से, कैशबुक में क्या हो गया है, बढ़ा हुआ है हम लोगों का, क्योंकि हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं इसको, बढ़ाते हैं कैशबुक को, जब चेक पेड करते हैं बैंक में तो 2170 रुपये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है 2170 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन पासबुक, पासबुक में क्रेडिट हो गया है, लेकिन कैशबुक में क्या हुआ है, हुआ है क्या, क्रेडिट हुआ है क्या, नहीं हुआ है, मतलब कैशबुक हम लोगों का क्या हुआ, घटा हुआ दिखा रहा है, घटा हुआ है हम लोग का कैशबुक, तो घटा हुआ है हम लोग किधर लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं, माइनस में क्या लिखेंगे 1200 रुपए, तो इसको आप लोग इसमें 6340 में माइनस साइज सेक्शन में है, तो इसको 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 ऐड कर देंगे, इसको इसको माइनस कर देंगे, तो हम लोगों का जो बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 6348, यही हम लोगों का आया था उसमें भी। अगर आप लोग देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे, तो जब मैं डेबिट और क्रेडिट वाला चीज कर रहा था तो उसमें मैं 6340 में क्या सब ऐड कर रहा था और क्या सब लेस कर रहा था, डेबिट और क्रेडिट वाला में क्या सब ऐड कर रहा था पता है, 1168 ऐड किया था मैंने, 1200 रुपया ऐड किया था, लेकिन आप लोग देखोगे तो बोलोगे यहाँ पे तो हम लोग माइनस कर रहे हैं, अरे माइनस नहीं कर रहे, माइनस सेक्शन में लिख रहे हैं, माइनस सेक्शन में लिख रहे हैं, माइनस में ये भी वैल्यू है, माइनस में ये भी वैल्यू है, माइनस में ये भी वैल्यू है, अल्टीमेटली हो क्या रहा है, माइनस 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 में होता है तो प्लस होता है ना, सेम चीज को हम लोग यहाँ पे 160 ये सिर्फ 30 2170, ये सब हम मैंने इसमें क्या किया था, माइनस वाले सेक्शन में वहां दिखाया था, ये सबको हम लोगों ने माइनस कर दिया था, इन सबको प्लस कर दिया था, अगर आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देखो तो समझ में आएगा, इन सबको मैंने वहां पे प्लस किया था, यहाँ पे माइनस किया था, सेम चीज यहाँ पे भी हुआ है, 6340 में 1167 और 1200 रुपया ऐड हुआ और ये तीनों चीज माइनस करके ये वाला वैल्यू आया, लेकिन लिखते हम लोग ये प्लस वाला सेक्शन में ये माइनस वाला सेक्शन में, क्योंकि हम लोगों को जो यहाँ पे बैलेंस दिया रहता है, बैलेंस के जस्ट ऑपोजिट जो यहाँ पे बैलेंस चाहिए उस हिसाब से लाना रहता है, यहाँ पे हम लोगों का किसका बैलेंस, हम लोग चल किसके हिसाब से लेते हैं, पासबुक का बैलेंस दिखा रहे थे,
डेबिट बैलेंस, यहाँ पे हम लोग का कौन सा आ जाएगा, कैशबुक का बैलेंस, कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। आई थिंक इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको बैलेंस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखते हैं। ऑन चेकिंग बैंक पासबुक इट वॉज फाउंड दैट इट शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस। चलिए दोनों तरीके से करेंगे। आपको अगर ये तरीका पसंद नहीं आ रहा तो आप लोग मतलब फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो को। तो क्या है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रहा है पासबुक के हिसाब से। पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब क्या, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 5,220 रुपए से। ओके चलिए अब शुरू करते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाई बैंक, यहाँ पे सारा प्लस का आइटम, यहाँ पे सारा माइनस का आइटम। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाई बैंक 6,000 रुपए, ये हो गया कैशबुक बैलेंस। एक मिनट, ये हो गया कैशबुक बैलेंस, ये हो गया पासबुक बैलेंस। डेबिट क्रेडिट में आप नहीं लिख रहा हूं, अब आपको समझ में आना चाहिए। 6,000 रुपए का डेबिट कर दिए, मतलब डेबिट कर दिए कैशबुक में, पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है तो क्रेडिट कर दो, मतलब लेस कर दो 6,000 रुपए। ओके चेक डिसऑनर डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट गिवन इफेक्ट इन द लेजर। इन द लेजर मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, इन द लेजर हम लोग कैशबुक जो है, हम लोगों का लेजर है, कैश अकाउंट जो होता है, मतलब बैंक अकाउंट ये हम लोग का एक लेजर है। और अगर कैशबुक को बोलते हैं हम लोग क्या, जर्नलाइज्ड लेजर। ओके तो ये क्या बोल रहा है कि चेक डिसऑनर हो गया, डेबिटेड कर दिया बैंक के द्वारा, लेकिन कैशबुक में हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं किया। कैशबुक में क्या होता है, ये क्रेडिट होता है, क्रेडिट नहीं हुआ है कैशबुक में तो क्रेडिट कर दो। क्रेडिट कर दो मतलब क्या, कि क्रेडिट और डेबिट लेस कर दो 800 रुपए। नेक्स्ट चलते हैं, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट डेबिट मेमो नॉट रिसीव फ्रॉम द बैंक 50 रुपए का। बैंक से रिसीव नहीं हुआ डेबिट मेमो, डेबिट हो गया बैंक डेबिट हो गया, मतलब कैशबुक अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, पासबुक डेबिट हो चुका है, कैशबुक क्रेडिट नहीं हुआ तो क्रेडिट कर दो, मतलब क्रेडिट और डेबिट लेस कर दो 50 रुपए। बहुत आसान हो गया अब तो। देखिए आप, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सेस क्रेडिटेड इन द लेजर, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सेस क्रेडिटेड इन द लेजर। कैशबुक में दो बार करके हम लोग क्रेडिट कर दिए, लेकिन पासबुक में हम लोग का डेबिट नहीं हुआ तो डेबिट कर दो 200 रुपए, तो डेबिट और डेबिट क्या हो जाएगा, 200 रुपया ऐड हो जाएगा। रॉन्गली क्रेडिटेड बाई बैंक टू अकाउंट डिपॉजिट ऑफ सम अदर पार्टी, दूसरे पार्टी का बैंक से अकाउंट में, हम लोगों के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया, मतलब क्या कि पासबुक हम लोगों का बढ़ गया, किसी और का अकाउंट का पैसा था, जैसे हम लोग देखे थे ना मुकेश और मुरुगेश टाइप का कुछ था, सेम चीज हुआ यहाँ पे कि हम लोगों का पासबुक जो है क्रेडिट हो गया, बैंक गलती से हम लोगों का पासबुक क्रेडिट कर दिया, किसी और का पैसा था हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया, लेकिन कैशबुक अभी तक डेबिट नहीं हुआ है तो डेबिट कर दो, मतलब क्या 900 रुपया को ऐड कर दो, डेबिट और डेबिट 900 रुपया ऐड हो जाएगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू कर दिए, चेक इशू करने से क्या होता है, कैशबुक हम लोगों का क्रेडिट हो जाता है, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पासबुक डेबिट नहीं हुआ है तो डेबिट कर दो, मतलब ऐड कर दो 400 रुपए। अब देखो क्या आएगा, चलिए मैं आपको ये कैलकुलेटर में करके दिखाता हूँ, इसमें भी कुछ है सीखने लायक। देखिए 5,220 प्लस 200 प्लस 900 प्लस 6,720 आया यहाँ पे। अब माइनस करेंगे कौन कौन सा, 6,800 और 850, माइनस 6,000 माइनस 800 सॉरी माइनस 50, कितना आ रहा है, माइनस में आया ना 130, माइनस में 130 आया, मतलब क्या इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये है कि ये जो 130 रुपया आया, ये जो माइनस में आया, इसका ऑपोजिट बैलेंस शो करेगा, मतलब ये पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रहा था तो ये कैशबुक के हिसाब से बैलेंस तो शो करेगा, लेकिन ये फेवरेबल बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस शो करेगा, ये समझ में आपको आना चाहिए। ठीक है तो इसको मैं उस वाले तरीके से भी करता हूं, ये वाला रह गया हम लोगों का ये तरीका, डायरेक्टली मैं आपको यहीं से समझाता हूं। ठीक है, ये सर हम लोगों का क्वेश्चन हो गया और ये हम लोगों का आंसर है। देखिए कैप ओवरड्राफ्ट पासबुक के हिसाब से दिया हुआ है 5,220, ये माइनस आइटम होगा क्योंकि ओवरड्राफ्ट में।
चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड मतलब क्या कि चेक को हम लोग डिपॉजिट किए, हम लोग का यहाँ पे पासबुक का बैलेंस है ना, तो हम लोग का फोकस क्या होगा, कैश बुक। ओके, कैश बुक फोकस रहेगा हम लोगों का। तो इसका क्या, हम लोग चेक डिपॉजिट किए क्लियर नहीं हुआ, तो इससे हम लोग का क्या होगा, कैश बुक बढ़ा हुआ होगा। क्यों, कैश बुक हम लोग जब डिपॉजिट किए, हम लोग लिख दिए कैश बुक में, कैश बुक बढ़ा हुआ है इसके कारण, कैश बुक बढ़ा हुआ है मतलब 6000 रुपया लिख देंगे यहाँ पे। चेक डिसऑनर्ड नॉट इंटर्ड इन कैश बुक, चेक डिसऑनर हो गया। चेक डिसऑनर हो गया मतलब क्या कि पासबुक में तो हम लोग डेबिट कर दिए लेकिन कैशबुक में अभी तक हम लोग को पता नहीं चला है, हम लोग कैशबुक में लिखे नहीं है, तो इसके कारण क्या है, हम लोग का पेमेंट वाला लिखे नहीं है ना। चेक डिसऑनर होगा तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे लेकिन लिखे नहीं है, तो इसके कारण क्या होगा, हम लोग का कैशबुक जो है क्या बढ़ा हुआ होगा, कितने से, 800 रुपए से। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस, बैंक चार्ज कर दिया था, ये वाला थर्ड वाला एंट्री, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, डेबिट कर दिया है मतलब हम लोग का पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है, कैशबुक में हम लोग एंट्री किए नहीं है, तो इसके कारण क्या होगा, पासबुक का कैशबुक का बैलेंस क्या हुआ होगा, बढ़ा हुआ होगा, लोग कैशबुक के हिसाब से चल रहे, तो ये ऐड हो जाएगा 50 रुपए। नेक्स्ट चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, एक्सेस क्रेडिटेड इन कैशबुक, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कैशबुक में दो बार करके हम लोग क्रेडिट कर दिए, दो बार करके क्रेडिट कर दिए मतलब क्या, क्रेडिटेड सॉरी, एक्सेस क्रेडिटेड इन कैशबुक, कैशबुक में क्रेडिट कर दिए तो मतलब क्या कि कैशबुक में पेमेंट साइड दिखाते हैं क्रेडिट में, तो दो बार लिख दिए, दो बार लिख दिए मतलब इससे क्या हो गया, हम लोग का कैशबुक का बैलेंस कितना घट गया, 200 रुपए से घट गया, घट गया तो माइनस साइड साइड में जाएगा ये। अब देखो अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड इन द पासबुक, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड इन द पासबुक, ये वाला है रॉन्गली क्रेडिटेड इन द बैंक बाय द बैंक टू द अकाउंट डिपॉजिट ऑफ सम अदर पार्टी 900 रुपया। तो दूसरे, अब दूसरा आदमी आया, हम लोग का पासबुक में जो है पैसा डाल दिया है, पासबुक में हम लोग का पैसा बढ़ गया है, बढ़ गया मतलब कैशबुक में हम लोग का नहीं बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ मतलब क्या, कैशबुक हम लोगों का घटा हुआ है क्योंकि हम लोग को तो पता ही नहीं है कि कोई आया आदमी आकर के पैसा जमा करके चला गया, तो क्या होगा ये 900 रुपया माइनस में होगा क्योंकि हम लोग कैशबुक के हिसाब से चल रहे हैं। इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा कि हम लोग कैशबुक के हिसाब से चलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस पासबुक का दिया हुआ है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू कर दिए, चेक इशू कर दिए तो मतलब क्या कि कैशबुक में हम लोग क्रेडिट कर दिए, कैशबुक का बैलेंस जो है वो घट जाएगा, कैशबुक का बैलेंस घट जाएगा तो इससे क्या होगा, हम लोग का घटा हुआ बैलेंस हम लोग माइनस कर देंगे 400 रुपए। तो अब इसमें देखिए 5220 इसको 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 और इसको ऐड करेंगे, ठीक है, इसको इन सबको ऐड करेंगे और इन सबको माइनस कर देंगे, हम लोग का जो बैलेंस आएगा ये माइनस में सेक्शन आएगा, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे किए थे, इन सबको ऐड किए थे 200, 900, 400, जो मैं आपको पहले भी समझाया था काफी देर पहले, 200, 900, 400 यहाँ पे तो हम लोग लिखते हैं माइनस सेक्शन में, माइनस सेक्शन में लिखते हैं, लेकिन हम लोग का ये करेंगे क्या, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में, सबको ऐड करेंगे, ये सबको माइनस करेंगे, तो आंसर जो आएगा मैंने आपको कैलकुलेटर में करके दिखाया था, ये माइनस में आंसर आएगा, माइनस में आंसर आएगा, तो क्या यहाँ पे हम लोग का ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रहा था पासबुक का, अब यहाँ पे कैशबुक का जो बैलेंस शो करेगा क्या होगा, ये फेवरेबल बैलेंस शो करेगा। लेकिन यही चीज आप देखिए, यही चीज अगर आप देखिए, ये अगर माइनस में था मतलब ये वाला वैल्यू अगर ज्यादा रहता, इन सबको ऐड करते, ये जो पोर्शन है इसको ऐड करते और ये वाला माइनस करते, और अभी भी हम लोगों का माइनस में आंसर नहीं आता, माइनस में आंसर नहीं आता, तो क्या होता है, ये अनफेवरेबल बैलेंस ही रह जाता है, जो हम मैं करके दिखाया था पहले आपको, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, काफी लंबा वीडियो हो गया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और कितना मार्क्स आया क्या हुआ आप लोग, मैं एक कम्युनिटी में एक पोस्ट डालूंगा, या फिर आप किसी भी वीडियो में जा करके आप लोग पोस्ट कर सकते हैं कि मार्क्स क्या हुआ, कि कितना निकला, ठीक है, आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। और पहला दूसरा वीडियो अगर आप लोग लास्ट में आकर के देख रहे हो, अगर पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हो तो उसको जरूर जाके देखना, ऐसे ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, थैंक यू वेरी मच।